जरूरी नहीं कि भाजपा को वोट जो नहीं दे वो राम भक्त नहीं है, ये कहना है उमा भारती का। वो राम भक्त है, जरूरी नहीं जो भाजपा को वोट नहीं दे वो राम भक्त नहीं, वह भी राम भक्त है। ये मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने बात कही है। दरअसल पूर्व सीएम उमा भारती ग्वालियर से भोपाल कार में सवार होकर शिवपुरी से निकली थी। वहां से बीजेपी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कुछ देर वहां पर रुकी। इस दौरान उन्होंने कार में सवार होकर चर्चा की। पूर्व सीएम उमा भारती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आई कम सीटों पर चिंता भी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से सीटें कम हुई हैं, इसमें भी बीजेपी समीक्षा करेगी, वह भी इस मामले में अपना मत देंगी। क्या कुछ कहा है उमा भारती ने, सुनिए। आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता, ये इस्लामिक समाज है जो धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है, इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही होता है। लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। श्याम, ये उमा भारती ने जो बयान दिया है कि जरूरी नहीं है कि वोट ना दे तो उनकी राम भक्ति कम हो गई, ये वो बयान है जो अक्सर विपक्ष के तमाम नेता इस बयान को कोट करते हुए ये आधार बताते हैं कि हिंदू वोट बैंक हमारी तरफ भी है और हिंदुओं का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने और उमा भारती तो बिल्कुल सटीक कह रही हैं। और अब कहीं ना कहीं भाजपा में भी ये मंथन हो रहा है कि क्योंकि हिंदू उसका एक जो सामाजिक ताना बाना है वो बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ तो स्थितियाँ और भी अलग हैं। उमा भारती ने यही कहा कि अभी मंथन करना होगा, भाजपा करेगी भी, मेरा भी मत लेगी, तो हमको ये नहीं करना चाहिए कि केवल जो राम भक्त हैं वो भाजपा को ही वोट करेंगे। भाई, राम भक्त सभी हो सकते हैं और वो अपने सामाजिक ताने बाने के आधार पर, पुराने अनुभवों के आधार पर वोट करते हैं, तो उनको करने दीजिए। अब ये चैलेंज है कि उनको अपनी तरफ कैसे लाना है, इसको भाजपा को मंथन करना होगा। उत्तर प्रदेश में यही तस्वीर है। बिल्कुल, लेकिन श्याम खास बात यह है कि जो बयान उमा भारती ने दिया है कि इस बयान की गूंज अभी दूर तक सुनाई देगी, क्या विपक्ष के लोग भी इस बयान को कोट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इन दिनों चाहे वो सड़क हो या सदन हो, प्रभु श्री राम को लेकर चर्चा जारी है, अयोध्या में हार को लेकर भी लगातार विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। ये ठीक कह रहे हैं आपके, उमा भारती ने एक अवसर तो विपक्ष को दे ही दिया है हमलावर होने के लिए, तो अभी इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। विपक्ष इसके मायने निकालेगा और भाजपा पर सवाल दागेगा कि आपकी खुद की सीनियर लीडर ऐसा कह रही हैं, अब इसका क्या जवाब है आपके पास में? बिल्कुल, तो भाजपा को जवाब तैयार रखना चाहिए, उसी हिसाब से रिएक्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम और तमाम जानकारी देने के।